नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। वेक्टर फूड की बात करेंगे, क्या डिसीजन हमको यहाँ पर लेना चाहिए। रिजल्ट आया था इनका, रिजल्ट के बाद एक बढ़िया मोमेंटम हमको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 445 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि 30 मार्च के आसपास होली पोर्टफोलियो में हमने इसको शामिल किया था। आपको मैंने ये स्टॉक खरीदने की वहाँ पर सलाह दी थी और वहाँ से ये एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। क्या 450 का जो लेवल है वो बड़ा लेवल है, क्या वहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, हम ये चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रिजल्ट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट से भी पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और जिस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहता हूं, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद आई कि ये कंपनी डिविडेंड बांटने पे आ गई। ठीक, 2.5 रुपए इन्होंने डिविडेंड दिया है, 2.40 रुपए, बिल्कुल भी मैं इस चीज से खुश नहीं हूं। आपको समझाऊंगा, ये जो डिविडेंड आपको मिला है ये अप्रूवल के बाद आपके खाते में आएगा। 2.40 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने पास किया है प्रॉफिट में से अपने। ठीक, इस चीज से मैं एग्री क्यों नहीं करता वो भी आपको समझाऊंगा रिजल्ट को देख करके। बहुत ध्यान से देखिएगा रिजल्ट, मैंने आपके साथ बोला था डिस्कस करूंगा, कल ये वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए माफी चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल इनकम की अगर आप बात करोगे 225 करोड़ की हुई 226 करोड़ के मुकाबले। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अगर दिसंबर का क्वार्टर चेक करते हो तो वहाँ पर हमारे पास कुछ खास दिक्कत थी नहीं 2020 में, लेकिन 2021 में मार्च में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आना चालू हो गई थी, ये आप खुद भी जानते हो। बाकी आपको मैं जो सबसे बड़ी बात है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर त्यौहार का भी सीजन चलता है, तो वहाँ पर कंपनी जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके मुकाबले ये रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पिछले साल के इस क्वार्टर से यानी कि 31 मार्च 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं 194 करोड़ से, टू बी प्रिसाइज 195 भी हम कह सकते हैं, 195 से 225 करोड़ पर आना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 30 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ना एक छोटी सी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पर इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल काफ़ी कम लगा, 117 करोड़ 121 करोड़ के मुकाबले कंपनी ने सीधे लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर बचत की है अपनी, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक, अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, चेंज इन इन्वेंट्री जब आप देखोगे तो यहाँ पर 6 करोड़ रुपए इनके पास पॉजिटिव में आए थे, यहाँ पर 4 करोड़ रुपए इनके पास से गए हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी मायने रख लेगी जो जब आप फाइनल एक्सपेंसेस पे जाओगे। तो 208 करोड़ इनका टोटल खर्चा हुआ 199 करोड़ के मुकाबले, तो यहाँ पर कंपनी जो है 9 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च की है। ठीक, क्यों ज़्यादा कंपनी को खर्च करना पड़ा वो चीज़ आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को 6 करोड़ मिला, यहाँ पर कंपनी के द्वारा 4 करोड़ गया, ज़्यादा कमाई हुई नहीं, लगभग बराबर की कमाई हुई। लेकिन अगर आप खर्चे की बात करोगे तो खर्चा जो है वो 9 करोड़ रुपये ज़्यादा हो गया इसके कारण। ठीक, तो आप इतना समझ गए। अब इतने पे अगर हम रिजल्ट को देखें तो हमें बहुत अच्छी सुगबुगाहट दिखाई देगी, हाँ भाई साहब रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन था। और जस्ट अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से भी खर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर रेवेन्यू भी काफ़ी कम था, तो इसलिए हम वहाँ पर डायरेक्ट कंपेरिजन ऐसे नॉर्मली कर नहीं सकते हैं। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कंपनी ने हमको डिविडेंड क्यों दिया, क्यों दिया वो हम आपको बताएंगे। 2.17 रुपए बेसिक पर शेयर की कमाई हो गई, ठीक है, 3.60 रुपए जस्ट पिछले क्वार्टर में था। याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी 20 करोड़ की कमाई की थी, यहाँ पर कंपनी 13 करोड़ की कमाई की है, और यहाँ कंपनी 8 करोड़ की कमाई थी की थी पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जिस क्वार्टर का हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सिंपली अर्निंग पर शेयर को देखें तो यहाँ से भी बढ़िया बेहतरीन बढ़ गया है, और यहाँ से बहुत तगड़े से कम हो गया है। ये एक्सेप्शनल चीज़ है, वो मैंने आपको समझाया भी। एक मिनट, हो सकता है आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर अचानक से जो इनकम है वो इतनी तगड़े से कम क्यों हो गई, हम एक मिनट आपको समझा भी देते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, माउस कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हो 227 करोड़ की इनकम, 199 करोड़ की खर्चे, ठीक है, इनकम और खर्चे माइनस करोगे तो यहाँ पर 27 करोड़ आपका बच गया, 199 करोड़ का खर्चा हुआ था, 27 करोड़ की बचत हुई। वहीं पर यहाँ पर 208 करोड़ का खर्चा हुआ, 225 करोड़ की कमाई हुई, 17 करोड़ रुपए इनका बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्सेस वगैरह लगते हैं, टैक्सेस के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपको ये डेटा 13 और 20 करोड़ पर आकर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का खर्चा कम हुआ, कमाई लगभग उतनी थी, यहाँ पर कंपनी का खर्चा बढ़ गया, कमाई लगभग उतनी थी, और खर्चा बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा है, 199 करोड़ से सीधे 208 करोड़ सीधे 8-9 करोड़ का खर्चा बढ़ गया, जो कि आप पर प्रॉफिट में भी घटते बढ़ते हुए देख सकते हो। यहाँ के कंपेरिजन में 20 करोड़ से 7 करोड़ कम हो गया है
इनकम, ठीक है, कम हो गई इनकम, और वही हमको डेंट देखने को मिल रहा है किसमें, अर्निंग पर शेयर में। ठीक, अब 2 रुपये 17 पैसे कमाने वाली कंपनी 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दे रही है, मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस चीज़ से है कि एक ग्रोथ पे फोकस करने वाली कंपनी डिविडेंड क्यों बांट रही है। इनको अपने पास कैश रिजर्व करना करके रखना था। मैं ये मान सकता हूँ कि कंपनी ने जो कहा है कि भाई साहब करंट सिचुएशन में हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली लाभ पहुँचा देना चाहते हैं, ये कंपनी का कहना है। ठीक, एज अ शेयर होल्डर मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम आपकी कंपनी को इसलिए नहीं खरीदे हैं कि हमको डिविडेंड मिले। डिविडेंड लेना होता तो हम अन्य कई कंपनी ले सकते थे। ठीक, हम ये चाहते हैं कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए, जो भी आपकी कमाई हुई, हमारी कमाई हुई, उसको रखिए, जैसे ही मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी आती है। इस वक्त कुछ चीज़ों की जैसे कि रियल इस्टेट के दाम अगर गिरे तो हमको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, जैसे डीमार्ट ने किया। कई सारी चीज़ें होती हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि डिविडेंड देना यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ये पैसा आप कैश में रख करके आगे अपने डेट को भी अच्छे से, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे, या फिर ग्रोथ पे तो बहुत तगड़े से फोकस हो सकता था। तो यहाँ पर कंपनी का जो इंस्टेंस है वो मेरे केस में थोड़ा सा, मैं मतलब उसको कह सकता हूँ ना कि हम थोड़ा सा कम बुलिश हो रहे हैं इस स्टॉक पर, यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है। मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्या चाहता है, बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें आई उसको देखकर तो यही लग रहा है। हम थोड़ा सा आपके साथ एक कैलकुलेशन करना चाहेंगे प्राइस टू अर्निंग का, और वही चीज़ आपको बताएंगे। इतने पी पे ट्रेड करने वाली कंपनी जब डिविडेंड देती है तो नाम मात्र होता है, आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये बहुत छोटा डिविडेंड है, 2-2.5 रुपये का डिविडेंड कौन सी बड़ी बात होती है। भाई 450 का स्टॉक है, 0.5% का डिविडेंड, आप जाकर देखिए MRF जो है 80,000 में ट्रेड करने वाला स्टॉक 200 रुपये का भी डिविडेंड नहीं देता है। खैर, MRF से यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाता देता हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी ने हमको क्या दिया है, क्योंकि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है तो हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें, कुछ ज़्यादा रिसर्च करके आपको बताना चाहते हैं। ठीक, 2 रुपये 17 पैसे की कमाई हम मान लेते हैं कि ऐसे ही कमाई ये कंपनी बरकरार रखती है आने वाले 4 क्वार्टर्स में। हम इस पर नहीं जाते हैं क्योंकि मैं मान लेता हूँ ये एक एक्सेप्शन था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी ही कमाई मान लेते हैं। 8 रुपये 17 × 4 = 68 रुपये होता है, तो 2 × 4 = 8, ठीक है, 8 रुपये 68 पैसे, 8 रुपये 68 पैसे अभी कितना चल रहा है प्राइस, 450 रुपये, 445 रुपये। ठीक, एक मिनट में 445/8.68 ये यही होगा ना, इज इक्वल टू देख लीजिए 51 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मैं अगले 3 क्वार्टर्स को भी ऐड किया हूँ, इस क्वार्टर में लगभग अगर कमाई ऐसी रह जाती है तो। अब 50 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनी हम क्यों लेते हैं, कि आप हमको ग्रोथ करके दिखाओ। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस तरीके से कंपनी ने अपनी अर्निंग्स को बढ़ाया है ये अपने प्राइजेस को धीरे धीरे करके जस्टिफाई कर जाएगी, और एक अच्छे वैल्यूएशन पे जब भी ये स्टॉक अगली बार मिलेगा मैं आपको लेने की सलाह जरूर दूंगा। उससे पहले जिन लोगों ने भी होली पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को डाला हो स्विंग ट्रेड के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक 330 रुपये से 445 रुपये के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न आप मानोगे, 100 रुपीज़ का रिटर्न तो इसने आपको दे दिया है, जो कि मोर देन 30% होता है। जी हाँ, मोर देन 30% का रिटर्न आपको इस कंपनी ने दिया है होली पोर्टफोलियो में थी, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए 450 रुपये के आसपास। ठीक है, ये हो गया एक डिसीजन। अगर जिनको रखना है या फिर स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना है तो 415 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप मेंटेन कर सकते हो इस स्टॉक को। मैं पर्सनल लेवल से कुछ पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर रहा हूँ, फ्रेश ख़रीदारी में 455 के ऊपर ही करना चाहूँगा। ठीक है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे 15-20 मिनट की कैंडल्स पे। प्योर पॉइंट में मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत 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 बेहतरीन कंपनी है। थोड़ा सा मेरा जो बुलिश इंस्टेंस था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कंपनी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग रन के लिए मुझे बहुत भरोसा है इस कंपनी पे। मैनेजमेंट डिविडेंड को लेकर कुछ खास क्लैरिटी दिया नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी मतलब मुझे खटक रही है। बाकी मैनेजमेंट अभी तक अच्छा काम करता आया है, तो आगे भी उम्मीद है वो अच्छा काम करते रहेंगे। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद हम सभी को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को मत खरीदिएगा, ना ही रखिएगा, आपको एक अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, तो एंजॉय कीजिए। अगर आप जानना चाहते थे हमारे पोर्टफोलियो में होली के समय हमने कौन कौन से स्टॉक्स डाले थे, तो इसी चैनल पे एक वीडियो है फ्री पोर्टफोलियो वाली, वो जरूर देखिएगा। और दूसरे चैनल पे हमने अपने पोर्टफोलियो के कई सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया है होली पोर्टफोलियो के ही, जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। पर्सनल लेवल पे वेक्टर फूड मुझे पसंद है, मैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ार मुझे थोड़ी सी स्पेकुलेटिव बिहेवियर दिखाने के आसार में लग रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे 30% के आसपास का गेन मिल चुका है, जो कि मेरा साल भर का
मतलब होता है ना, क्राइटेरिया होता है। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ से, इंतज़ार कर लूँगा, ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।